नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के कुचामन से है, जहां शहर के निकटवर्ती गांव सरगोट में एक दलित विकलांग का परिवार आज भी सरकार की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इससे राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि सरगोट ग्राम में गणपत राम बावरी, जो बचपन से ही विकलांग है, वह कमाने में असमर्थ है। वहीं गणपत राम का परिवार आज भी विद्युत कनेक्शन से वंचित है। वह नल कनेक्शन तो है, मगर नल में पानी नहीं आने से परिवार को दैनिक कार्यों के लिए महंगे दामों पर पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी की परबसर तहसील अध्यक्ष सुमन कंवर मीठड़ी के नेतृत्व में गणपत राम ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि विद्युत कनेक्शन के लिए विद्युत विभाग ने उनसे बड़ी रकम की मांग की है, जो वे अदा नहीं कर सकते। उन्होंने उपखंड अधिकारी से विद्युत कनेक्शन करवाने व सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत पक्का घर निर्माण करवाने की गुहार लगाई है। वहीं उपखंड अधिकारी ने उक्त मामले में नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र सिंह मीठड़ी, समाजसेवी जितेंद्र सिंह, सुगना राम, भावरी देवी, चतरा राम, जोगा देवी सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। कुचामन से ब्यूरो रिपोर्ट, जेवन राजस्थान न्यूज। ग्राम पंचायत सरगोट पदमपुरा से हमारे रहने के लिए मकान नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, चल है हमारी बनी हुई है, 1000 रुपये हो गए। कावड़िया साहब जब खड़ा हुआ हमारे पास आया, बोला हमारे को वोट देना, मैं आपको हर सुविधा दूंगा। तो मेरे पास नहीं तो गाड़िया साहब आया, नहीं कोई सुविधा जीतिया बाद कोई बने, मतलब वो विकलांग भी होते, वो मतलब